आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। तीसरे चरण की 93 सीटों पर वोटिंग से पहले देश का चुनाव आज नोट के पहाड़ के नीचे आ गया, जहां प्रधानमंत्री ने एक चुनावी सभा में जनता से कहा कि घर जाओ टीवी पर देखना, नरेंद्र मोदी नोटों का पहाड़ पकड़ रहा है। दरअसल जिस झारखंड में 28% से ज्यादा लोग अब भी गरीबी रेखा के नीचे हैं और प्रति व्यक्ति 30,000 रुपए से ज्यादा का कर्ज है, उसी झारखंड में ग्रामीण विकास मंत्री के निजी सहायक के नौकर जिसकी कमाई महीने की केवल 15,000 रुपए है, उसके घर ईडी ने 30 करोड़ रुपए खटाखट ठकाठक पकड़े और गिने। महीने के 8,500 रुपए, साल के 1,00,000 रुपए ठकाठक ठकाठक ठकाठक। उनके भाषण में बोलना खटाखट खटाखट खटाखट। अगर चुनाव जीत पाए तो राहुल गांधी कहते हैं कि खटाखट और ठकाठक गरीबी दूर कर देंगे। सोमवार को कांग्रेस गठबंधन शासित राज्य झारखंड में भी खूब खटाखट और ठकाठक की आवाज आई है। एक कमरे में बेड पर नोटों की गड्डियों की भरमार है, बगल में मशीन लगाकर नोट ठकाठक खटाखट गिने जा रहे हैं। यहाँ देखिए कितनी मशीन लगी, ये एक, ये दो और इस कमरे में ये तीसरी मशीन। इस कमरे में इतनी ही जगह है नोट और तीन नोट गिनने की मशीन भर की। इसीलिए अब इसे आप सामने से देखिए, इतना पैसा है जितना आम आदमी देश में कभी कमा भी नहीं पाता, जीवन भर सोचता रह जाता है। लेकिन झारखंड में जेएमएम कांग्रेस की सरकार के, कांग्रेस के कोटे से आने वाले मंत्री के पीए के नौकर के घर में नोट ऐसे भरे हुए मिलते हैं कि कमरे में सिर्फ नोट ही नोट नजर आते हैं। ये वो नोट हैं जो आम लोगों से भ्रष्टाचार करके ही खटाखट ठकाठक लूट लिए गए। लूट के इन्हीं नोटों की अब खटाखट ठकाठक गिनती ईडी की टीम करा रही है। दूसरे कमरे में चलते हैं, यहाँ चौथी मशीन नोट गिनने की नजर आती है। यहाँ महिला अधिकारी नोट गिन रही है, नोट गिनने की आवाज यहाँ भी खटाखट ठकाठक की आ रही है। कैमरा और घूमता है, तीसरे कमरे में एक बड़ी मशीन नोट गिनने के लिए लगाई गई, यानी ये पांचवी नोट काउंटिंग मशीन। कैमरा और घूमा, अब यहाँ छठी मशीन दिखती, इसमें भी नोट भर कर उनकी गिनती जारी है। जिस चुनाव में गरीबी दूर करने के लिए खटाखट और ठकाठक वादे कांग्रेस ने किए, उसी कांग्रेस के शासन वाले झारखंड में भ्रष्टाचार किए 30 करोड़ की रकम जिसे ईडी की टीम ने सोमवार को पकड़ा और खटाखट गिनना शुरू किया, गिनती अब भी जारी है। ईडी ने ये पैसा कहां से पकड़ा, अब इसका हिसाब देखिए। झारखंड में कांग्रेस के नेता और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, आलमगीर आलम के निजी सचिव का नाम है संजीव लाल, संजीव लाल के नौकर का नाम है जहांगीर और नौकर जहांगीर के घर से 30 करोड़ रुपए ईडी को छापेमारी में सोमवार शाम तक मिलने का दावा, जबकि मंत्री के पीए संजीव लाल के करीबी ठेकेदार मुन्ना के घर से 3 करोड़ रुपए मिलने का दावा। सोमवार सुबह ईडी की टीम ने कांग्रेसी मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के घर पर जब छापा मारा तो अधिकारियों ने बैग में रखे हुए नोटों की गड्डियों को निकालना शुरू किया। काले रंग के बैग से 500 के नोटों का बंच बनाकर रखा मिला, जिन्हें ईडी के अधिकारी निकालते गए। धीरे धीरे भ्रष्टाचार की कैश मीनार रांची में मंत्री के पीए के नौकर के घर खड़ी होने लगी। इतना नोट इकट्ठा हो गया, कोई इसे पहाड़ बताने लगा, कोई मीनार, कोई नोटों का जखीरा। लेकिन यहाँ सिर्फ काली कमाई के नोट ना देखे जाएं, जरूरी है उस खोट को देखा जाए जिसके दम पर भ्रष्टाचार की दीमकों ने झारखंड जैसे राज्य में न जाने कितने आम लोगों को लूट कर पूरी व्यवस्था को खोखला कर रखा है। तभी तो मंत्री आलमगीर आलम के पीए संजीव लाल के नौकर जहांगीर, जिसकी कमाई 15,000 रुपए महीना तक होने का दावा है, उसके घर से 30 करोड़ रुपए का कैश मिलता है। इस अपार्टमेंट में ये कहा जा रहा है कि हाउस होल्ड हेल्प, जो यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं उनके हाउस होल्ड हेल्प है और उनके ठिकानों से छापेमारी हुई, तो जाहिर तौर से अब ये सवाल पूछा जाएगा कि एक हाउस होल्ड हेल्प के पास इतना ह्यूज कैश कहाँ से आता है, उसका इनकम तो है नहीं। तो जाहिर तौर पे अभी तो काउंटिंग चल रही है, तह तक जब मामला पहुंचेगा तो कई फैक्ट जो है वो रिवील होंगे। अब एक चौंकाने वाली बात पर गौर करिए, ईडी किसी को नोटिस दे दे, समन भेज दे, पूछताछ कर ले, केस दर्ज कर ले, गिरफ्तारी कर ले, तुरंत विपक्ष की तरफ से अब तक हल्ला, राजनीति हो जाने का मचाया जाता रहा।
लेकिन जब झारखंड की राजधानी रांची में एक मंत्री के पीए के नौकर के घर से करोड़ों रुपयों की खान दिखने लगी तो एक अजीब सा सन्नाटा विपक्ष ने खींच लिया। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम का पक्ष अब सुन लीजिए। मेरा पीएस है विभाग के विभाग बोले बहुत सरकारी मुलाजिम है और मेरा पीएस है और हम लोग जो पीएस को रखते हैं तो अनुभवी देखकर ही रखते हैं। इसके पहले भी एक जगह नहीं दो जो दो दो मंत्री का पीएस रह चुके थे उसी आधार पर उसको हम लोग लाए थे। अब बाकी अभी जो चर्चा चल रही है वो ईडी में तो वो तो जब तक उसका निष्कर्ष नहीं आएगा तब तक उस पर कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं। मंत्री आलमगीर आलम भले ये कहें कि उनका कुछ लेना देना नहीं है, जो कुछ है उनके निजी सचिव और निजी सचिव के नौकर की जानकारी में होगा, लेकिन बड़ी खबर आपको हम बता दें, ईडी जल्द ही अब झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। सूत्रों का कहना है कि तलाशी के दौरान कथित तौर पर अधिकारियों को ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनके आधार पर अब मंत्री आलमगीर से भी पूछताछ आवश्यक हो गई है। ये पूरा मामला दावा है कि केवल 30-35 करोड़ का नहीं है, ये भ्रष्टाचार और भी बड़ा हो सकता है जिसकी जांच केवल 10,000 रुपए की एक घूस कांड से शुरू हुई। 2019 में झारखंड में एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने जूनियर इंजीनियर सुरेश प्रसाद वर्मा को 10,000 रुपए घूस लेते पकड़ा। तब जेई सुरेश प्रसाद वर्मा ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के घर में ही रहता था। 2019 में फिर छापेमारी में सुरेश प्रसाद वर्मा के घर से 2 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ। तब जूनियर इंजीनियर सुरेश वर्मा ने कहा कि वो मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम के लिए काम करता है। इसके बाद ग्रामीण विकास विभाग का मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम ईडी की रडार पर आता है। पिछले साल ईडी ने चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के 20 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। वीरेंद्र राम ने ही ईडी को बताया था कि ग्रामीण विकास विभाग में ठेका देने के बदले घूस का पूरा व्यवस्थित और संगठित सिस्टम चलता है, जहां 10,000 रुपए की घूस की शुरू में हुई जांच में अब मंत्री के पीए के नौकर के घर से 30 करोड़ के कैश तक बात पहुंच चुकी है। दावा है कि झारखंड सरकार ने ईडी की तरफ से सजग किए जाने के बावजूद भ्रष्टाचार को न केवल होने दिया बल्कि करप्शन में आरोपी अफसरों पर ईडी के कहने पर नजर रखने की जगह उन्हें अलर्ट कर दिया, लेकिन भ्रष्टाचार ज्यादा दिन छिपाए नहीं छिपता। रांची का एक साधारण सा अपार्टमेंट जहां जहांगीर नाम का एक शख्स रहता है। जहांगीर क्या करता है, कैसे करता है, आसपास के लोग कम जानते हैं। नहीं जानते ये भी कि महीने के सिर्फ 15,000 रुपए कमाने वाले के घर में 30 करोड़ रुपए कैश हो सकते हैं। ये पैसे यहां तक कैसे पहुंचे, इसलिए आपको आज आज तक संवाददाता मुनीष पांडे की एक्सक्लूसिव दस्तक देती खबर देखनी जरूरी है। मुनीष पांडे की एक्सक्लूसिव खबर यह है कि पिछले साल ईडी ने झारखंड सरकार को ग्रामीण विकास विभाग में होते करप्शन पर सावधान किया। मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम से हुई पूछताछ के आधार पर झारखंड सरकार को ग्रामीण विकास विभाग में होते भ्रष्टाचार पर एफआईआर दर्ज करने को कहा। आज तक के पास मौजूद यही वो एक्सक्लूसिव दस्तावेज जो गवाही देते हैं कि भ्रष्टाचार रोकने के नाम पर उसे और बढ़ाने और बचाने की कोशिश झारखंड में जेएमएम कांग्रेस सरकार ने की, क्योंकि ईडी ने मई 2023 यानी पिछले साल ही चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी भेजी। इसमें लिखा गया कि मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम ने पूछताछ में बताया है कि टेंडर दिलाने में 3% तक के कमीशन का खेल चल रहा है। जब उसकी गिरफ्तारी ईडी ने की थी तो उसका बयान दर्ज किया, उसने बयान में कहा कि जो मैंने से आपने रिश्वत पकड़ी हुई है 10,000 रुपए की, ये सिर्फ मैं अकेले नहीं रखता हूँ, कई ऐसे लोग हैं मंत्रालय में काम करने वाले, कई ऐसे अधिकारी हैं जिनके पास ये पैसा अपने शेयर के हिसाब से पहुंचता है। और उसके बाद ईडी ने अपने अधिकारियों को लगाया काम पे कि आप पता करिए। एक महीने के अंदर में ईडी के पास में रिपोर्ट था कि कई ऐसे अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जो टेंडर आता था ग्रामीण विकास मंत्रालय में उसमें से 3% से ज्यादा का कमीशन है वो बड़े अधिकारियों तक जाता था और 0.3% ही जो उस वक्त के चीफ इंजीनियर थे उनको मिलता था। लेकिन जिस चिट्ठी को पढ़कर ग्रामीण विकास मंत्री से लेकर झारखंड सरकार तक को एक्शन लेना था, आरोप है कि उसकी जगह उसी चिट्ठी से भ्रष्टाचारियों को अलर्ट कर दिया गया।
उस चिट्ठी को उन भ्रष्ट अधिकारियों तक कथित रूप से पहुंचाया गया और उनसे यह कहा गया कि अब आप भ्रष्टाचार का नया तरीका ढूंढिए। और नए तरीके में यह ढूंढा गया कि पैसा अपनी जगह रखने की जगह अपने किसी करीबी या भरोसेमंद के पास रखे, और इसी वजह से जो आलमगीर आलम है मंत्री, उनके जो पीए हैं संजीव लाल, उन्होंने अपने घर में काम करने वाले जहांगीर के घर पर रखा हुआ। यानी ईडी की रडार से बचने के लिए ही पैसा मंत्री के पीए के नौकर के घर तक दावा है पहुंचाया गया, लेकिन भ्रष्टाचारियों के इस ठिकाने तक भी ईडी के अफसर पहुंच गए और देश में एक बार फिर करोड़ों रुपए का काला धन बरामद हुआ है। जो दस्तावेज ईडी ने झारखंड सरकार और ग्रामीण विकास विभाग को भ्रष्टाचार के खिलाफ जगाने के लिए भेजा था, दावा है कि वो चिट्ठी भी इसी 30 करोड़ वाले घर के भीतर मिली, यानी सीधी मिली भगत। यही वजह है कि अब ये मुद्दा है तीसरे चरण की देश में वोटिंग से एन पहले विपक्ष के शासन वाले राज्य में मंत्री के निजी सचिव के नौकर के घर मिले करोड़ों के नोट ने मुद्दा बीजेपी को दे दिया। मैंने कहा मैं रुपया एक भेजूंगा, एक पाई भी किसको खाने नहीं दूंगा, और जो खाएगा वो जेल जाकर के खाना खाएगा। जेल की रोटी चबाएगा। आपने देखा होगा, अभी घर जाओगे तो टीवी पे देखना, आज यहां पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों का चोरी हुकिया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। अब मुझे बताइए, मैं चोरी बंद कर दूं, इनकी कमाई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? कल रात को ही झारखंड में एक मंत्री के घर से 30 करोड़ रुपया जब्त हुआ है भाइयों, 30 करोड़ रुपए। मुझे बताओ, जिन्होंने गरीब बंगाल की जनता का पैसा लूटा है वो जेल की सलाखों के पीछे जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए?